हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई लाजवाब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरेमल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। ये बहुत स्वादिष्ट डेजर्ट की रेसिपी है और ये बनाना भी बहुत आसान है, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे और चीनी को धीरे धीरे लो फ्लेम पर पिघलने देंगे। बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसे इसी तरह से हम पिघलने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे जिससे कि ये धीरे धीरे पिघलते हुए कैरमलाइज्ड हो जाएगी। चीनी अब पिघलने लगी है तो हम इसे लो फ्लेम पर ही मेल्ट होने देंगे। देखिए धीरे धीरे ये पिघल रही है, ये पिघलते हुए गोल्डन कलर में आने लगी है। बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए हमें। ये हमारी तैयार हो गई है कैरेमल, तो इसे हम एक एक टिन में या मोल्ड में डाल देंगे। कैरेमल को सेट होने देंगे, हम तब तक आगे का प्रोसेस करेंगे। इन्हीं कैरेमलाइज्ड हो गई है तो अब हम ब्रेड का क्रम्स बना के तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने 3 ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसका चारों तरफ से साइड काट के हटा दिया है ब्राउन पार्ट। अब हम इसी पैन में 1/2 लीटर दूध को बॉइल करेंगे। जब तक दूध में बॉयल आ रही है तब तक हम ब्रेड का क्रम्स बना के तैयार कर लेते हैं। इसे हम एक मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब दूध में बॉयल आ गई है तो इसमें हम कस्टर्ड पाउडर और चीनी दोनों को ऐड कर देंगे। चीनी को मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल के उसे भी मिक्स कर दूंगी। मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें मैं थोड़े थोड़े दूध को डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। घोल को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे, और इसे हम दूध में धीरे धीरे डालते हुए मिला लेंगे। कस्टर्ड अब तैयार हो गई है तो अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। ब्रेड क्रम्स भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना बने और ये एक स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार हो। अब ये परफेक्ट टेक्सचर में आ गई है तो अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे हम अच्छे से टैप करके सेट कर लेंगे और इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। पानी में बॉयल आने लगी है तो इसी में मैं तैयार पुडिंग को डाल दूंगी। पुडिंग को कवर करके रखना चाहिए, नहीं तो उसके भाप से उसमें पानी आ जाती है। तो इसे आप एल्युमिनियम फॉइल से या किसी प्लेट से कवर करके रखें और इसे 15 से 20 मिनट तक पकने दें। उसके बाद आप इसे ठंडा होने दें। तो ये तैयार हो गई है, ब्रेड पुडिंग बनके तैयार हो गई है। मैंने 15 मिनट तक इसे स्टीम कर लिया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख के 1.5-2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दूंगी। तो देखिए हमारी पुडिंग तैयार हो गई है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है ठंडा करके। अब मैं इसे मोल्ड से प्लेट पर निकाल लूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है पुडिंग, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। इसे मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ कितनी ये अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बहुत आसानी से बनके तैयार हो गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाती है और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना न भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।